सरदार साहब के साथ जो हमारी मीटिंग हुई है वो खुद भी चाहते हैं कि उनकी असिस्टेंस के लिए कोई प्रोफेशनल गोरा कोच हो तो इस साल कम से कम रिजल्ट को बेहतर कर सकें, क्योंकि जो एशियन गेम्स का रिजल्ट है उससे हमारी हॉकी पे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान की हॉकी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी चल रहा था कि काफ़ी अर्से से यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल इवेंट नहीं हुआ, कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आए, तो इन मैचेस से एक चीज़ स्टार्ट होगी कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल अराइवल स्टार्ट होगी। हमारी बेसिकली ऑब्जेक्टिव यंग जनरेशन का है कि हम उसको ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट कर सकें। इन मैचेस का हमें लीग में फायदा होगा, उसके बाद नेक्स्ट कोई भी अपकमिंग इवेंट्स जो है हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमें डेफिनेटली जो यंग प्लेयर्स हैं उनका एक मेंटल साइड के ऊपर झुकाव होगा और हॉकी को प्रमोट करने में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी को अब जो दोबारा एक नया सांस मिल रहा है, ये एक शुरुआत है हमारी कि एक वर्ल्ड इलेवन जो इस वक्त लाहौर में पहले कर बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और 13 साल के बाद इतना बड़ा इवेंट जो है मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा खुशाइन बात है और इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए। और जिन खिलाड़ियों को हमने देख के हॉकी शुरू की उन वो आज वो स्टार्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की हॉकी को रिवाइव करने के लिए PHF का बहुत बड़ा जो है वो इकदाम है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए PHF सदर ब्रीड खालक खोखर साहब और शहबाज सीनियर साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।